टॉपिक है एसिड इचिंग. व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग माइक्रोपोरोसिटीज. तो अभी किससे होगी? एसिड इचिंग. हमारे पास बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग इचेंट्स होते हैं, तो मैं अभी डिस्क्राइब करूँगी कि हमें कैसे करना होता है, क्या करना होता है और ये क्या होता है. तो एसिड इचिंग इज़ अ प्रोसेस विच वी डू आफ्टर द कैविटी फॉर्मेशन और एनीथिंग. वेर हमें जब रेस्टोरेशन करनी होती है, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, तो हम पहले एसिड इचिंग से इचिंग करते हैं ताकि वहाँ पे माइक्रोपोरोसिटीज क्रिएट हो जाए, और फिर उसके बाद वहाँ पर हम बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करके देन कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन करते हैं. तो जो एक वैसे तो बहुत सारी रिसर्चेस होती रहती हैं हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे, हर फील्ड में. तो हमारे ऐसे डेंटल मटेरियल्स में जो डिस्कवरीज हुई, तो उन्होंने देखा कि बॉन्डिंग एजेंट डायरेक्टली हम लगा रहे हैं कैविटीज़ में, टूथ सरफेस पे, और फिर रेस्टोरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं. बहुत बार ऐसा हो रहा था. तो फिर हमारे साइंटिस्ट हैं यूनोकॉर, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने डिस्कवरी की, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हम यदि 85% फॉस्फोरिक एसिड 2 मिनट के लिए टूथ पे अप्लाई करके छोड़ दें तो वहाँ पे माइक्रोपोरोसिटीज कॉज होने थी. तो फिर ये कुछ दिन तक चला, लेकिन फिर सिल्वर स्टोन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि 30-40% इज सफिशियंट, 30-40% फॉस्फोरिक एसिड इज सफिशियंट फॉर 60 मिनट्स तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, 60 सेकेंड्स के लिए. तो ये भी ट्राई किया, लेकिन फिर रिसेंट रिसर्चेस में ये पता चला कि 37% फॉस्फोरिक एसिड हम 15 सेकेंड्स के लिए यूज़ करें तो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर द माइक्रोपोरोसिटीज. तो पहले क्या था, 60 सेकेंड जो इचिंग टाइम था, तो ये देखा गया कि 60 सेकेंड जो इचिंग टाइम है उसमें भी हमें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो कि 15 सेकेंड्स में मिल रहे हैं. तो हम ज़्यादा देर के लिए क्यों अप्लाई करें? तो हम एसिड इचेंट जो यूज़ करते हैं 37% फॉस्फोरिक एसिड फॉर 15 सेकेंड्स, देन जब उसको हम इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर देते हैं. सिरिंज की फॉर्म में होता है ये सिरिंज, इसको हम ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, सिरिंज के फॉर्म में भी जेल या फिर लिक्विड के फॉर्म में होता है. तो इसको हम इस तरीके से इसमें अप्लाई कर देते हैं, इस पर है ना, ये देखिए ऐसे करके अप्लाई कर दिया, फिर इसको 15 सेकेंड्स के लिए छोड़ दिया, फिर इसको हम 15 सेकेंड बाद वाटर से रिंस कर देते हैं और इसको ड्राई कर देते हैं. ड्राई भी हम एकदम टाइटली अच्छे से प्योर ड्राई नहीं करते, इसका थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से ड्राई कर देंगे तो हमारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है. तो क्या होता है, जो स्मूथ इनेमल है हमारा वो इरेगुलर सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, और 10 माइक्रोमीटर जो इनेमल की लेयर है उसको वो पोरस बना देता है. जो पोर्स हैं उनकी 10-15 माइक्रोमीटर डेप्थ होती है, ठीक है. 5-15 सेकेंड बाद इसको हम जब रिंस कर देते हैं, फिर अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, और जब ड्राई कर लेते हैं उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका फ्रॉस्टी वाइट अपीयरेंस हो जाता है इनेमल का. तो ये हमारा एसिड इचिंग टॉपिक था. नेक्स्ट इसके बाद हम बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, देन कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, ठीक है. तो मैं बॉन्डिंग एजेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट, and don't forget to subscribe, like, and thank you so much.